आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। योगी कैबिनेट की आज बैठक होगी, बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरे मंत्रिमंडल के साथ द केरल स्टोरी फिल्म देखेंगे। इस फिल्म के निर्माता विपुल शाह, निदेशक सुदीप्तो सेन, अभिनेत्री अदा शर्मा आदि भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इससे पूर्व कैबिनेट में फिल्म को टैक्स फ्री करने का फैसला भी किया जाएगा। फिल्म द केरल स्टोरी के निर्माता निदेशक की टीम ने मुख्यमंत्री से बुधवार को मुलाकात की थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी, साथ ही कैबिनेट के साथ फिल्म देखने का फैसला किया था। यह फिल्म केरल में बड़े पैमाने पर हिंदू महिलाओं के धर्मांतरण और उन्हें आतंकी गतिविधियों में संलिप्त किए जाने पर आधारित है। फिल्म की टीम ने मुख्यमंत्री से बुधवार को मिलकर चर्चा भी की थी, साथ ही योगी सरकार के लव जिहाद व धर्मांतरण को रोकने को लेकर बने कानून और कार्रवाइयों की सराहना भी की थी। बता दें, लोकभवन ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। योगी कैबिनेट की बैठक भी आज होनी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी, द केरल स्टोरी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी। बता दें, यह फिल्म केरल में बड़े पैमाने पर कैबिनेट महिलाओं के धर्मांतरण और उन्हें आतंकी गतिविधियों में संलिप्त किए जाने पर आधारित है। फिल्म की टीम ने मुख्यमंत्री से बुधवार को मिलकर चर्चा भी की थी, साथ योगी सरकार के लव जिहाद व धर्मांतरण को रोकने को लेकर बने कानून और कार्रवाइयों की सराहना भी की गई थी। बता दें, आज कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बता दें, लोकभवन ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी जिसमें फिल्म के निर्माता निदेशक शामिल रहेंगे। बता दें, बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी, द केरल स्टोरी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु से जुड़ चुके हैं। विवांशु, यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है, किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है? जी मयूरी, आपको बता दें कि आज अगर बात करें तो कल नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे फेज का मतदान संपन्न हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं अब आने वाले 13 तारीख को मतगणना होगी। उसी को मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस चुनाव में व्यस्त है और इस चुनाव के संपन्न होने के बाद आज उनकी पहली कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट बैठक की अगर बात करें तो तय समय पर 10 बजे से है। बैठक में अगर बात करें तो तमाम कैबिनेट के मंत्री और मुख्यमंत्री को पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं कुछ ही मिनटों के अंदर कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। इस बैठक में साफ तौर से हाल में संपन्न हुए निकाय चुनाव और कहीं ना कहीं देखे तो प्रदेश के अंदर में एक लंबे अरसे के बाद कैबिनेट की बैठक हो रही है। अब संसद कई अहम प्रस्ताव पारित होने की बात कही जा रही है। अगर बात की जाए तो चिकित्सा, उद्योग और साथ ही साथ औद्योगिक प्रस्ताव पास होने की आशंकाएं जताई जा रही है। आपको बताया कि बैठक कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी और बैठक संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री की ब्रीफिंग होगी, जिसमें तमाम चीजों को मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आएंगे। और देखने वाली बात ये भी होगी कि किन क्षेत्रों को, किन वर्गों को साधने की तैयारी में कौन कौन से प्रस्ताव पारित होते हैं। विवांशु, ये भी चीज सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ आज पूरे मंत्रिमंडल के साथ द केरल स्टोरी फिल्म देखेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हाल ही में रिलीज हुई द केरल स्टोरी, जो कहीं ना कहीं देश के अंदर में सियासी मुद्दा बना हुआ है और कहीं ना कहीं केवल द केवल स्टोरी के डायरेक्टर सूबे के मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उनसे इस पिक्चर को देखने की कहीं ना कहीं आग्रह करते हैं। अब सूबे के मुख्यमंत्री आज लोकभवन में कैबिनेट की बैठक के बाद 11 बजे इस फिल्म की लाइव स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें तमाम कैबिनेट के सदस्य मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में इसे टैक्स फ्री किया गया है, तो वहीं बंगाल के अंदर में इसे पूर्ण रूप से बैन किया गया है।
वहीं ये मामला अब कहीं ना कहीं देश के सर्वोच्च कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक याचिका के आधार पर 15 तारीख को इस मूवी को लेकर, इस फिल्म को लेकर फैसला भी आएगा। जी विवांशु, देखिए इस फिल्म को लेकर तमाम जगह बवाल भी देखने को मिला। बंगाल में इसे बैन किया गया है और इसे योगी आदित्यनाथ इसे टैक्स फ्री करने की घोषणा करने वाले हैं, तो क्या इसको किस तरह से देखा जाए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस फिल्म में साफ तौर से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दी गई, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कर दी गई, वहीं बंगाल के अंदर में इसे बैन कर दी गई। इसे साफ तौर से सरकार की तरफ से कहा है, ऐसे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में ऐसे कई सारी पिक्चरें वही है, चाहे कश्मीरी फाइल्स हो, चाहे लाल सिंह चड्ढा हो, चाहे अब बात करें द केवल स्टोरी हो, ऐसी फिल्मों को सरकार की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं उनके जो तमाम टैक्सेज होते हैं उसमें कम किया जा रहा है, जिससे सरकार की यही मंशा है कि जो डायरेक्टर है जो उसमें फिल्म दिखाना चाह है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और देखने वाली बात ये होगी कि जहां द केवल स्टोरी फिल्म को लेकर देश की सियासत कहीं ना कहीं गरमाई हुई है, तो आने वाले 15 तारीख को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाएंगे, एक याचिका डाली गई जिसपे वो फैसला सुनाएंगे कोर्ट की तरफ से, तो फैसले में क्या होता है। जी जी धन्यवाद विवांशु, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। बेमौसम बारिश की वजह से यूपी के लोगों को मई महीने के शुरुआती दिनों में गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने भी हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी के प्रकोप के साथ सर्दी खांसी बुखार के अलावा पेट दर्द और उल्टी के मरीज बढ़ने की आशंका है। बता दें यूपी में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ने लगा है। वहीं गर्मी के प्रकोप के बढ़ने के साथ कहीं ना कहीं बीमारियों के बढ़ने का भी सिलसिला जारी रहेगा। बता दें मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बेमौसम बारिश की वजह से यूपी के लोगों को मई महीने के शुरुआती दिनों में तो गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी के प्रकोप के साथ सर्दी खांसी बुखार के अलावा तमाम बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। गर्मी का प्रकोप बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जिससे लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए लगातार धूप भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें गर्मी का प्रकोप बढ़ा हुआ है और इसको लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी में गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। बता दें बेमौसम बारिश की वजह से यूपी के लोगों को मई महीने के शुरुआती दिनों में गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी के प्रकोप के साथ सर्दी खांसी बुखार के अलावा तमाम बीमारियां लोगों की परेशानियां बढ़ा सकती हैं। बता दें बेमौसम बारिश हुई थी, जिसके कारण गर्मी से तो राहत मिली थी, लेकिन अब मई महीने की शुरुआत हो गई है और गर्मी अपना प्रकोप दिखाती हुई नजर आ रही है। बता दें जिस तरह से गर्मी बढ़ेगी और गर्मी के साथ साथ तमाम बीमारियों का भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब बता दें गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। शुरुआती दिनों में गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
शुरुआती महीनों में तो गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन मई के शुरुआत से ही अब गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ेगा, उस तरह से बीमारियों की भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ेगी। बता दें कि मौसम विभाग ने गर्मी को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता पवन हमसे जुड़ चुके हैं, सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता आशुतोष हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, गर्मी का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मयूरी, अगर हम बीते दिनों की बात करें तो बीते दिनों बेमौसम हुई बारिश से जहां लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली, लेकिन लगातार जो मौसम है वो गर्म होता जा रहा है। अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 41 से 42 डिग्री तक जो है तापमान वो चल रहा है। ऐसे में जो लोग है वो गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। अगर इसमें विद्युत व्यवस्था की बात की जाए तो विद्युत व्यवस्था कहीं ना कहीं गर्मी में लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। जहाँ 18 से 20 घंटे विद्युत आपूर्ति होती थी और गर्मी में लगातार 12 से 14 घंटे लोगों को बिजली मिल रही है, और लगातार जो गर्मी का प्रकोप है वो बढ़ रहा है। ऐसे में जो लोगों के पास बीमारियां है उसके बढ़ने की संभावना वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर चेतावनी जरूर जारी कर रखी है, लेकिन लगातार जो मौसम है वो लगातार गर्म होता जा रहा है। ऐसे में लोगों के पास बीमारियों की जो इजाफा है वो हो सकता है, अस्पतालों में लोगों की भीड़ बढ़ सकती है। लगातार मौसम विभाग इसकी चेतावनी भी दे रहा है कि लगातार जो मौसम है वो गर्म होगा। प्रयागराज में करीब 42 से 43 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो लोगों को गर्मी से कहीं से भी राहत देता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो लगातार जो गर्मी है उसका प्रकोप बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित होंगे, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि लगातार जो गर्मी है वो अपना रौंद रूप लेती जा रही है। अब जिस तरीके से बीते दिनों पहले प्रयागराज में बेमौसम हुई बारिश से हालांकि लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन अब जिस तरीके से अप्रैल के इस महीने में लगातार और मई के इस महीने में लगातार जो गर्मी है वो अपने प्रचंड रूप में है, तो आने वाले दिनों में लोगों के ऊपर तमाम तरह की बीमारियां, तमाम तरह के रोग, और सरकारी अस्पतालों, तमाम जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर मरीजों की संख्या वो बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से मौसम का जो प्रकोप बढ़ रहा है, लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में विद्युत व्यवस्था कहीं ना कहीं गर्मी में लोगों के परेशानी को और बढ़ा रही है। अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्र में भी लोग विद्युत के कटौती से लेकर बहुत परेशान है। वही ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, करीब 8 से 10 घंटे की विद्युत की सप्लाई मिल रही है। ऐसे में जो लोगों की परेशानी है वो कहीं भी कम होती नजर नहीं आ रही है। जी पवन, देखिए विद्युत की परेशानी तो रहती ही है, और सबसे बड़ी जो जरूरत होती है गर्मी में वो पानी की होती है, वो कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर शहरों की बात करें मयूरी, तो शहरों में नगर निगम का क्षेत्र है, वहां पर सरकारी व्यवस्थाएं जरूर मिलती है, लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की वो तस्वीरें देखें तो निश्चित रूप से ये जो तस्वीरें हैं ये मन को विचलित करती है। कहा जाता है कि एक तरफ हम चांद तक पानी ढूंढने की बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की वो तस्वीरें देखें जहाँ आज भी लोग आजादी के 75 सालों बाद मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, लोग 20-20 किलोमीटर से दूर जाते हैं पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो गर्मी का प्रकोप है, जो गर्मी का प्रचंड है, वो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी और बढ़ाएगा। क्योंकि गर्मी के मौसम में जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद होता है वो पानी, लेकिन पानी कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, लगातार तापमान जो है वो बढ़ रहा है, जहां एक तरफ बीते दिनों पहले बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट आई थी, लेकिन अब लगातार बीते कई दिनों से मौसम इतना गर्म हो रहा है, इतनी कड़ी धूप हो रही है, ऐसे में जो लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो ये मई का महीना चल रहा है ये सहालक का महीना होता है। इस महीनों में तमाम गांवों में, तमाम शहरों में, तमाम स्थानों पर शादियों का एक सीजन होता है। लगातार जो गर्मी बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को आने वाले दिनों में परेशान करेगी, तमाम गंभीर बीमारियों को ग्रसित करेगी। हालांकि मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसकी तैयारियां की ली गई हैं, इसके लिए चेतावनी जारी की गई है कि लोग धूप से बचे, अपने आप को बचाएं, और तमाम ऐसे बाजारों में भी हम तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर लोग गर्मी से बचने के लिए जूट आदि का सहारा ले रहे हैं। हालांकि लगातार गर्मी है वो लोगों को आने वाले दिनों में और परेशान कर सकती है। जी मयूरी,
आशुतोष, आप सुल्तानपुर में मौजूद हैं, गर्मी को लेकर सुल्तानपुर में कैसे स्थिति बनी हुई है, मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, आपको बता रहे सुल्तानपुर का जो इस समय मौसम का हाल चल रहा है, लगभग 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक ये 40 डिग्री का बताया जा रहा है। जो जल पियाव की व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वो जल पियाव की व्यवस्था नहीं किए हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ धरातल पे शिकायत देखने को मिल रहा है। गर्मी को देखते हुए इसमें और भी व्यवस्था बना के रखनी चाहिए। आशुतोष, जो सबसे बड़ी परेशानी होती है गर्मी में वो बिजली और पानी को लेकर है, तो कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी बिजली और पानी की व्यवस्था अगर आप बात करती हैं, कहीं कहीं जो है कुछ ना कुछ कमियां देखने मिलती हैं। आपको इसी पे है मिसाल दे रहे हैं, अभी हाल में जो है आपका चुनाव बीता हुआ है, चुनाव पे जो है तमाम घर घर जाके वोट मांग रहे थे, उसी को नजर में देखते हुए आज हम बात करते हैं। अगर नेता जिस तरह वोट मांग रहे थे, अगर कहीं चौराहों पे या वैसे जो है जहाँ पे मुसाफिर हो आने जाने वाली व्यवस्था को लेकर अगर वहाँ जल पियाव की व्यवस्था कर देते हैं, लोगों को जो है इतनी संकट और परेशानी उठानी ना पड़े, उन लोग को तमाम तरीके जो है गर्मी से बचने के लिए पानी की व्यवस्था उनको मिलनी चाहिए जरूर इस चीज को लेकर। पवन, देखें जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और अगर इस तरह बढ़ता ही रहा तो कहीं ना कहीं बीमारियां भी बढ़ेंगी, तो अस्पतालों में कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल मयूरी, अभी बीते दिनों पहले उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने प्रयागराज का दौरा किया था। हालांकि उन्होंने जितने भी सरकारी अस्पताल है वहां पर तमाम वो सुविधाएं बढ़ाने की भी बात कही थी और उन्होंने चिकित्सा विभाग को साफ तौर पर निर्देशित किया था कि प्रयागराज में लोगों को किसी भी तरह से चिकित्सा की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन लगातार जो मौसम का बदलाव है उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोगों को तमाम वो बीमारियां परेशान करेंगी जो गर्मी के मौसम में लोगों को बीमारियां होती हैं, तमाम तरह के वो गर्मी के रोग हैं जो बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, उसकी जो संख्या है वो बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि बीते दिनों पहले जब बेमौसम बारिश हुई है, ऐसे में लगातार मौसम अपना करवट बदल रहा है। अगर हम दिन की बात करें तो दिन का जो तापमान है वो करीब 42 से 43 डिग्री के आसपास का है, लेकिन अगर हम ये मौसम शाम की बात करें तो शाम के मौसम में काफी बदलाव हो जाता है, शाम को जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ऐसे में सर्दी और गर्मी का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं लोगों के सेहत से खिलवाड़ करेगा। आने वाले दिनों में लोगों को तमाम तरह की परेशानियां होंगी, तमाम तरह की बीमारियां होंगी, उसके अंदाजा लगाए जा रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी कर रखी है और इसके लिए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक द्वारा तमाम आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। लेकिन अब किस तरीके से तस्वीरें होंगी, हालांकि किस तरीके से लोग अपने आप को गर्मी से बचाएंगे, ये एक कहने वाली बात है और ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जो मौसम का बदलता स्वरूप है, जो लगातार बदलता मौसम है, वो कहीं ना कहीं लोगों के सेहत से खिलवाड़ करेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जी मयूरी। आशुतोष, अगर मैं सुल्तानपुर की बात करूँ तो स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है गर्मी को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता रहे यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल में जो है यहाँ के डॉक्टर सीएमओ है, लेकिन वो कभी कभी जो है वो अपने आते हैं फील्ड में, रनिंग को जो है ध्यान देते हैं, मरीजों को भी हाल चाल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गंदगियां और लापरवाही देखने में मिल रही है। अगर आपको हम बता दें, सबसे पहले यहाँ पे बच्चों का वार्ड है, बच्चों के वार्ड को लेकर साफ सफाई के मुद्दों को लेकर जो है बहुत धरातल पर कम देखने मिलता है। अगर जिस दिन कोई बड़ा मंत्री पद पर अगर आता है वहाँ पे भ्रमण करता है तो वो हर जगह की हॉस्पिटल के कमरे के वार्ड की साफ सफाई देखने मिलती है, उससे पहले कोई चीज वहां पे धरातल पे देखने को मिलता ही नहीं। इस और बात करते चले कि सीएमओ का भी है, सीएमओ को जो है खुद इसमें सावधान होना चाहिए और यहाँ के जो उनके नीचे छोटे कद के जो डॉक्टर है, जो छोटे पद पे बैठे हुए हैं, वो बच्चों के भविष्य को लेकर कदम उठाना चाहिए, कोई तरह की बीमारियां उत्पन्न ना हो। इसके साथ ही साथ जो है बच्चे अगर स्वस्थ है तो बड़े भी स्वस्थ उसमें देखने मिलेंगे। जी धन्यवाद आशुतोष तमाम जानकारियों के लिए। पवन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बता दें गर्मी एक बार फिर से अपना प्रकोप रूप दिखाती हुई नजर आ रही है, वहीं मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी के प्रकोप के साथ सर्दी, खांसी, बुखार के अलावा पेट दर्द और उल्टी के मरीजों की बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बता दें मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है, जहां शुरुआती दिनों में गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही थी, वहीं अब गर्मी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। बता दें बढ़ते गर्मी से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
वहीं अगर गर्मी बढ़ेगी तो साथ ही साथ अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ेगी और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। बता दें गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है, मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं गर्मी का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मरीजों की संख्या में इजाफा होना माना जा रहा है। बता दें मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लगातार गर्मी अपना विकराल रूप दिखाती हुई नजर आ रही है। यूपी में गर्मी का प्रकोप देखते ही बन रहा है, बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है, बता दें कि मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। जहां शुरुआती दिनों में गर्मी से राहत मिली थी तो वहीं अब गर्मी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। बेमौसम बारिश की वजह से यूपी के लोगों को मई के शुरुआती दिनों में तो गर्मी से राहत मिली ही थी, लेकिन अब फिर से गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। वहीं मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बीमारियों का प्रकोप भी देखने को मिल सकता है। और कानपुर से हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ चुके हैं और लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है, और लखनऊ में कैसी स्थिति बन सकती है गर्मी को लेकर? देखिए मोरी, जैसा कि हमने देखा था कि साल की शुरुआत के बाद जब ठंडक बीत रही थी, फरवरी का महीना था, तो हल्की बूंदाबांदी प्रदेश के कई शहरों में बारिश भी देखी गई थी और फरवरी मार्च के समय में ये बारिश देखी गई थी और हल्की ठंडक भी लोगों ने महसूस की और लोगों को राहत भी मिली थी। तो ऐसा माना जा रहा था कि इस बार गर्मी जो है पहले की तरह अपना सितम जो है वो नहीं दोहराएगी, लेकिन अगर बात करें तो फरवरी माह के बाद गर्मी ने 122 साल पुराना अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वही प्रदेश में हीट वेव जो है वो ज्यादा आ गया है और तमाम तरह की चीजें मैं आपको बता दूं कि लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लगातार पिछले 3 दिनों से बना हुआ है। रोज तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और कड़ी धूप के साथ साथ लोगों को आने जाने में काफी मशक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लोग इसमें एहतियात भी बरत रहे हैं और सुबह और शाम को लोग ज्यादा निकल रहे हैं। अगर बात की जाए दोपहर की तो जो फोर व्हीलर्स हैं वो ज्यादा आपको सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अस्पतालों में भी इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और जल निगम द्वारा कई जगहों पे सड़कों पे हमने देखा है कि नगर निगम के द्वारा प्याऊ की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा निजी जो एनजीओ हैं वो प्याऊ की व्यवस्था बनाए हुए हैं। जी अनिल, गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आप कानपुर में मौजूद हैं, कैसी स्थिति बनी हुई है गर्मी को लेकर, मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, बता दूं कि मैं कानपुर का टेम्परेचर जिस हिसाब से चल रहा है, लगभग कल का जो टेम्परेचर था 42 डिग्री सेल्सियस नापा गया था। इसके अलावा बता दूं कि जो प्रकोप है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि जो पिछले कुछ दिनों में जो बारिश और हुई थी, बारिश के बाद मौसम में नमी आई थी, लेकिन नमी के बाद जिस हिसाब से पिछले 3-4 दिनों से टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बीमारी का एक घर बनता चला जा रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने के बाद में लोगों के अंदर बीमारी का भी एक बड़ा रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और खासकर जो मरीज है वो डायरिया के मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्योंकि लगभग देखा जा रहा है कि गर्मी में पानी की कमी शरीर में होती है। जब हमने डॉक्टरों से इसमें बात करने का प्रयास किया तो डॉक्टर ने कहा है कि वर्तमान समय में लगभग 12 बजे से 3 बजे के समय में लोग घर से निकलने, घर में या ऑफिस से निकलने से बचे, क्योंकि गर्मी का प्रकोप ज्यादा है और पानी का ज्यादा यूज करें। इसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से कल कानपुर में वोटिंग थी, वोटिंग के समय एक काफी कम परसेंटेज रहा है, लगभग कानपुर में 42% रहा है। एक ये भी माना जा रहा है कि बढ़ती गर्मी की वजह से जिस हिसाब से कल का कानपुर का टेम्परेचर था, लोग घर से बाहर नहीं निकले और घर से बाहर ना निकलने के बाद ही वोट ना डाल पाए, तो कहीं ना कहीं गर्मी का एक विशेष कारण रहा वोटिंग कम पड़ने का। और जो आज की वर्तमान स्थिति है, लगभग 11 बज रहा है और 11 बजे लगभग
टेम्परेचर अभी है 40 डिग्री पहुंच चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि आगे गर्मी का सीन क्या रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, ये गर्मी लोगों को बीमार करने वाली है, क्योंकि लगभग फरवरी से ही गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा था और मौसम विभाग ने भी इस चीज पे सचेत किया था कि जिस हिसाब से गर्मी पड़ेगी उसके लिए लोगों को सचेत रहना होगा, और जगह जगह पे नगर निगम ने प्याऊ की व्यवस्था कर रखी है ताकि लोग पानी का ज्यादा सेवन कर सके। जी विवेक, देखा जाए गर्मी में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है पानी और विद्युत की, वो कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए राजधानी लखनऊ में बिजली की व्यवस्था तो अभी तक बढ़िया चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है। हमने पिछले साल देखा था कि गर्मी के समय में उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बिजली की कटौती की गई थी, राजधानी लखनऊ में कई जगहों पर बिजली की कटौती की गई थी, तमाम परेशानियां लोगों को बिजली उपभोक्ताओं को देखने को मिली थी इस गर्मी में। लेकिन इस बार जो है अब तो बिजली की जो व्यवस्था है वो निर्बाध रूप से चल रही है। गर्मी के इस मौसम में लोगों की शरीर जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार होती है, शरीर में पानी की कमी होती है। इस समय अभी आधा समय भी नहीं गुजरा है और धूप का प्रकोप आप देख सकते हैं, तेज धूप है, चिलचिलाती हुई धूप है और लोग एहतियात बरत के अपने घरों से निकल भी रहे हैं। अगर बात करें तो जिस तरीके से फरवरी या मार्च में बारिश का मौसम देखा गया था, कई जगहों पर प्रदेश में ओले भी गिरे थे, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार जो गर्मी जो है वो पहले से थोड़ी राहत देती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बार गर्मी ने कोई भी राहत देना अभी तक शुरू नहीं किया है, 40 डिग्री से ऊपर सेल्सियस का तापमान लगातार बना हुआ है और राजधानी लखनऊ में जो है हर साल देखा जाता है कि गर्मी का प्रकोप राजधानी लखनऊ में बरकरार रहता है, तेज और कड़ी धूप निकलती है। ऐसे में लोगों को स्किन डिजीज होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, डायरिया के कई मरीज आते हैं और ऐसे मरीज आते हैं जो डिहाइड्रेशन की वजह से अपना सुध-बुध खो देते हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार गर्मी को लेकर एडवाइजरी हर साल जारी करता है और अस्पतालों में तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं भी इसको लेकर देखने को मिलती हैं। यही एक समय है जब ओपीडी में भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं वायरल के लिए, तमाम चीजें ऐसी हैं जो स्वास्थ्य विभाग को अभी भी दुरुस्त करना चाहिए, अस्पताल प्रशासन को भी दुरुस्त करना चाहिए। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। अनिल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बता दें गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं मौसम विभाग द्वारा हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार गर्मी अपना विकराल रूप दिखा रही है, वहीं बढ़ते गर्मी से लोगों की समस्याएं भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। जिस तरीके से गर्मी बढ़ेगी कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। बता दें गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है, वहीं मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी के प्रकोप के साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसमें सर्दी खांसी बुखार के अलावा पेट दर्द और उल्टी के मरीज बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हर एक जिले से हमारे संवाददाता आपको गर्मी को लेकर अपडेट दे रहे हैं, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां की गई हैं, गर्मी को लेकर क्या कुछ स्थिति है। बता दें बेमौसम की वजह से यूपी के लोगों को मई महीने के शुरुआती दिनों में तो गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। गर्मी अपना विकराल रूप दिखाती हुई नजर आ रही है और जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। बता दें गर्मी के प्रकोप से बीमारियों का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें गर्मी के प्रकोप के साथ सर्दी खांसी बुखार के अलावा पेट दर्द और उल्टी के मरीज बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बता दें मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, गर्मी अपना लगातार विकराल रूप दिखा रही है। मई महीने के शुरुआती दिनों में तो गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अब गर्मी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है और जिस तरह से गर्मी बढ़ेगी अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ी हुई नजर आएगी और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं तैयारी में नजर आ रहा है। वहीं मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बता दें गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है।
गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। बता दें बेमौसम बारिश की वजह से यूपी के लोगों को मई महीने के शुरुआती दिनों में गर्मी से तो राहत मिली थी, मगर अब फिर से गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। गर्मी अपना विकराल रूप दिखाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अंबेडकर नगर से हमारे संवाददाता राहुल हमसे जुड़ चुके हैं और बुलंदशहर से इकराम हमसे जुड़ चुके हैं। राहुल, गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आप अंबेडकर नगर में मौजूद हैं, गर्मी की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा गया है? देखिए, जैसे कि मयूरी आपको बता दें, गर्मी को लेकर के 39% जो तापमान देखा जा रहा है, दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने एहतियातन हर एक स्थान पर पेयजल की सुविधा की है, तो कहीं ना कहीं कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे वो रास्ते का भी नजारा दिखाए। आखिर ये हाईवे है, यहाँ पर गर्मी भीषण होने की वजह से रास्ते देख रहे हैं किस तरीके से आवागमन पूरी तरीके से गर्मी को देखते हुए कहीं न कहीं आवागमन ठप जैसा दिखाई दे रहा है। जो फोर व्हीलर और टू व्हीलर से है वही आ जा रहे हैं। टू व्हीलर वाले अगर आ भी रहे तो गमछे का या फिर पैदल चलने वाले छाते का उपयोग कर रहे हैं, और लिहाजा ये गर्मी दिन में गर्मी और रात के बाद जो सुबह में ठंडी सर्द गर्म दो दशीय मौसम है, तो कहीं ना कहीं ये बीमारियों को भी न्योता दे रही है। ऐसे में हॉस्पिटल में अगर बात करें तो गैस्ट्रो डायरिया या फिर लूज मोशन जैसी तमाम भयंकर महामारी भी फैल रही है। जी भाई इकराम, आप बुलंद शहर में मौजूद हैं, गर्मी को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी है, क्या कुछ तापमान है? आराम से चलता जी। आपको बता दूं गर्मी में जो सुबह का तापमान है 34 है, और गर्मी में लोगों को जीना मुहाल हो गया है। गर्मी के चलते लोग घरों में कैद रहने लगे हैं, बीमारियों की बढ़ना शुरू हो गई है, बाजारों में भी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है, रोड नहीं दिख रही बाजारों में भी। कूलर लगाए गए, सबिंग वाटर कूलर वो भी खराब पड़े हैं नगर पालिका की, कोई बहुत शिकायत है इसमें भी, जिसके कारण आमजन को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विभाग लोगों की गर्मी और लू से बचने के लिए लगातार निर्देश जारी कर रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी इजाफा हो रहा है। जी राहुल, देखें गर्मी में जो सबसे बड़ी समस्या होती है आम जनमानस को, वो पानी और बिजली को लेकर होती है, तो अगर अंबेडकर नगर की बात करूं तो इसकी व्यवस्था कैसी है? देखिए, अगर बिजली विभाग की बात की जाए तो बिजली विभाग जो है मतलब इस समय गर्मी में ट्रांसफार्मर अधिक लोड होने के कारण कहीं ना कहीं बिजली में कुछ समस्याएं, हालांकि उनको चुस्त दुरुस्त किया जाता है। बहरहाल अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी में लोगों का 11 के बाद जो समय होता है, यानी 12 बजे 1 बजे शाम 4 बजे तक का ये जो समय है, इस दरमियान लोगों का आवागमन थोड़ा कम देखने को मिलता है, और जो लोग जाते हैं वो गमछे का प्रयोग करते हैं, छाता का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए स्कूल में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का जो स्कूल का टाइम टेकिंग है वो भी बदलाव किया है जिला प्रशासन, 7 से लेकर 12:30 बजे तक का किया है। अगर बात करें पेयजल को लेकर के, पेयजल की सुविधा कहीं पर है तो कहीं पर नदा रद्द है पाई गई है, और ऐसे संपूर्ण जनपद की बात मैं कर रहा हूँ। हालांकि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इंसाफगंज नगर पंचायत है, यहाँ पर हमारे कुछ लोग स्थानीय लोग हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। चाचा जी, क्या नाम है आपका? उदय अहमद। थोड़ा तेज बोलिए, खाइए नहीं। उदय अहमद, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था क्या है? जल की व्यवस्था ये है कि बहुत कम, यहाँ पे 1-2 जल चल रहा है, बच्चा सब भट चल रहे हैं। गर्मी से काफी लोग परेशान हैं और काफी पीड़ित है लोग। तो देखा जैसे कि मयूरी ने कहा कि पेयजल की यहाँ पर संकट है, लेकिन जो हाईवे के किनारे वाटर कूलर लगे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन जो मोहल्ले में लगे हैं कहीं ना कहीं वो नहीं चल रहे हैं, ऐसा इनका यहाँ के नगर पंचायत इल्फातगंज में हम इस समय मौजूद है,
जो जीरो ग्राउंड से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ के नगरवासी हैं, उनका कहना है कि पानी को लेकर यहाँ किल्लत है। जो हाईवे पे है वो वाटर कूलर चल रहा है और जो मोहल्ले में है वो नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने जो एडवाइजरी जारी किया हो वो जो अधिकारी है उन पर कहीं ना कहीं असर होता नहीं दिखाई दे रहा। जी इकराम, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और जिस तरह से इसका प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं बीमारियां भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ेगी, तो स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है, कैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं? मैं आपको बता दूं, मैं जो सरकारी अस्पताल में हमारा सीएमओ साहब ने भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी है और सबसे ज्यादा जो खामी पाई गई है नगर पालिका की पाई जाएगी। जितने भी सरकारी वाटर लग रहे हैं, आपको मैं बता दूं, जहाँ भी अड्डे पर वाटर कूलर लगे हुए हैं वे सब खराब पड़े गए हैं, नगर पालिका का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। जी मंजूरी जी, धन्यवाद इकराम तमाम जानकारियों के लिए। राहुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, गर्मी अपना विकराल रूप दिखाते नजर आ रही है। बता दें कि मई के शुरुआती दिनों में तो गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से गर्मी अपना विकराल रूप दिखाती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से गर्मी बढ़ेगी और अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आएगी, कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आएगी और लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इस दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।